we have done, after that we have done the regions of root. Root के regions में हमने क्या किया था? सबसे पहले initially one protective covering is present called as root cap, correct? Root cap के बाद आप लोग का कौन सा region होता है बच्चा? जहाँ पे cells are in a dividing state, that is region is called as meristematic region. अब cells यहाँ पे divide हो गए, after that they are going to show growth in the form of elongation. This region is called as zone of elongation, or you can say region of elongation. Okay, after that a region is present for the absorption of water, and this is called as root hairs, also known as piliferous zone. Correct? Yes. Sabko? Yes. And the final stage is maturation. Yes. Region. So, these cells aapke yahan pe divide hue hain, after elongation they are going to get mature. This is called as region of maturation, or you can say region of differentiation. Okay, then structure of root hair humne kiya tha. What do you aap log ke hisab se root kya hai bachcha log? Unicellular or multicellular root hairs are? Unicellular. Okay, very good. सो वॉटर्स में हमने देखे थे कितने टाइप्स के वॉटर्स होते हैं स्टूडेंट्स? फोर. ओके, वेरी गुड. कौन से? ग्रेविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, कंबाइंड. हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी एंड देन कंबाइंड, करेक्ट? सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल वॉटर बच्चा लो? इसमें से आपके प्लांट के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल होता है फॉर कैपिलरी वाटर? कैपिलरी. ओके, बाकी के तीन अवेलेबल नहीं होते. सो आई होप आप लोगों को ये भी पता होगा ग्रेविटेशनल वाटर वगैरह क्या होता है, जो एकदम डीप इनसाइड मिलता है, करेक्ट? ग्रेविटी की वजह से एकदम डीप इनसाइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर. इसके बाद में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखे थे फ्रॉम रूट्स, सॉरी टू द रूट्स फ्रॉम सॉइल, करेक्ट? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में तीन सब्सटेंस, तीन स्टेप्स थे. कौन से? फर्स्ट, सबसे पहले आपका क्या होगा बच्चा लोग? इम्बाइबेशन. नेक्स्ट डिफ्यूजन. नेक्स्ट ऑस्मोसिस. ओके, सो अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं. इम्बाइबेशन में क्या होता है आप लोगों के? इम्बाइबेशन क्या होता है बच्चा? वाटर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स. Yes, water आपका absorb होता है. I know everyone know the difference between absorption and adsorption. भूल तो नहीं गए ना सब? Yes. भूल गए? No. Okay. Adsorption is like what? जहाँ पे सिर्फ सरफेस पे वॉटर एक्यूमुलेट होने वाला है. ओके, एंड एब्जॉर्प्शन में क्या होने वाला है? अंदर द बॉडी, एकदम अंदर. एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल यू कैन टेक इट अ स्पॉन्ज, जहाँ आप स्पॉन्ज में वॉटर एब्जॉर्ब करते हो. दूसरा भी अगर आपको इसका एग्जाम्पल लेना है तो आप जो डस्टर पे स्पंज लगाओ तो उसका जो चौक रिमूवल होता है, यू कैन नॉर्मल वाला चौक, व्हाइट वाला कैल्शियम वाला चौक, तो सिर्फ सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है. ओके, आफ्टर दैट डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है बच्चा लोग? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, डिफ्यूजन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ द आयन एटम मॉलिक्यूल्स from high concentration to low concentration. Okay, यहाँ पे कौन सी एनर्जी चाहिए बच्चा लो? ये कौन सी एनर्जी के वजह से मूवमेंट होता है? Do you remember some type of energy we have discussed? Kinetic energy. Yes, exactly. Very good. Kinetic energy is required for this movement. And one more thing, ये diffusion कब तक होगा? Equilibrium achieve नहीं होता. Yes, till the equilibrium is reached. Very good. Then after that we have seen some terms, जैसे कि DPD. What do you mean by DPD बच्चा लोग? Diffusion pressure deficit. Yes. So इसमें क्या होता है? DPD is also called as, another name भी है इसका, suction pressure. Yes, DPD is also called as suction pressure. जो कि होता है क्या, मुझे बताओ DPD में हमने क्या study किया था, कैसे develop होगा DPD? Difference of diffusion pressure of pure solvent and of solvent in solution. Yes, आपका दो solvent जो है, तो एक pure solvent और दूसरा जब आप solution उसमें
सोल्यूट वगैरह सब मिक्स कर लेते हैं, तो एक सॉल्वेंट आपका सोल्यूशन वाला और एक सॉल्वेंट आपका प्योर वाला, दोनों के बीच के डिफरेंस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट और यू कैन से सक्शन प्रेशर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. ओके, इसके बाद हमने ऑस्मोसिस किया था बच्चा लोग. ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा? इट इज द मोमेंट ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. ओके, सो इट इज द मोमेंट फ्रॉम lower concentration to higher concentration with the help of semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane मतलब क्या? सारी चीजें pass on होंगी क्या? No. Okay. Types of membrane भी हमने study किया था ना? Completely yes. permeable, impermeable and semi-permeable. Okay. Then after that we have saw some conditions like hypotonic, hypertonic, isotonic. क्या होता है बच्चा लोग? Hypotonic means what? Low concentration. हाइपो में क्या होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन. किसका? सोल्यूशन लो कॉन्सेंट्रेशन होगा या सॉल्वेंट लो होगा बच्चा? सोल्यूशन. यस, आपका सराउंडिंग जो है दैट इज योर सोल्यूशन, दैट विल बी ऑफ लो लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, और सॉल्वेंट कैसा होगा? इट विल बी विद हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग. ओके, सो हाइपो बोला तो आसपास का सराउंडिंग, दैट इज योर सोल्यूशन इज गोइंग टू बी विद द लो कॉन्सेंट्रेशन, whereas आपका जो अंदर का है solvent, it is of high concentration. Just opposite to this, that is hyper concentration, क्या होगा? Solution is going to be high concentration. High concentration and आपका solvent low concentration. Weak. Yes, weak you can say. And finally isotonic में क्या होगा बच्चा लोग? Equal concentration. Same. वहाँ पे कोई भी flow नहीं हो रहा ना, inflow ना outflow, it is they are in equilibrium, both are same. Okay. इतना क्लियर है सबको? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन टिल हियर? नो. इसके बाद अच्छा लोग हमने दो टाइप के ऑस्मोसिस किए थे, वन इज एक्स ऑस्मोसिस एंड अनदर वन इज एंड ऑस्मोसिस. याद है किसी को? यस. एक्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? वाटर इज गोइंग टू बी रिमूव होगा. यस, रिमूव होगा, दैट इज वाटर इज गोइंग टू मूव आउटसाइड. करेक्ट? यस. सो सेल के बाहर वाटर निकलेगा, और एंडोस्मोसिस में क्या होगा? वाटर इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द सेल, और यू कैन से एंटर द सेल. ओके, सो एक्सोस्मोसिस इज नथिंग बट द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, दैट कॉसेस क्या होगा? एक्सोस्मोसिस कॉसेस फ्लैसिडिटी. वेरी गुड. एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है बच्चा लोग? यहाँ पे आपका टर्जिडिटी, इट कॉसेस टर्जिडिटी. टर्जिडिटी सबको याद है क्या होता है? यस. वाटर एक्युमुलेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से स्किन में स्ट्रेसनेस आ जाती है, एक लेयर जो है आपका वो स्ट्रेस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्जिडिटी, टर्जिड हो गया लेयर. ओके, और इसके वजह से क्या डेवलप होगा? टर्जर प्रेशर. क्लियर है सबको? यस. ओके, एंड टर्जर प्रेशर समटाइम्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू वॉल प्रेशर. Yes. But the direction are opposite. Opposite. Yes. Very good. So DPD is nothing but is equals to osmotic pressure minus surger pressure. अगर याद होगा आप लोगों को कुछ. What do you mean by osmotic pressure, बच्चा लो? Pressure exerted due to osmosis. Yes. Osmosis के वजह से जो भी pressure develop हो रहा है, जो भी pressure लग रहा है, that is called as osmotic pressure. So osmotic pressure minus, जब आप टर्शियर प्रेशर और टर्शियर प्रेशर इज आल्सो इक्वल्स टू वॉल प्रेशर, करेक्ट? इज इक्वल्स टू डीपीडी. सो डीपीडी इज इक्वल्स टू, डीपीडी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्शियर प्रेशर. क्लियर है? यस. फ्लैसिड सेल है बच्चा लोग, तो टर्शियर प्रेशर उस केस में क्या हो जाएगा? जीरो. यस, तो फ्लैसिड सेल हो गया, तो डीपीडी इज इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा? osmotic pressure, because turgid pressure is zero. और turgid cell है तो क्या zero होगा बच्चा? DPD. Yes, अगर turgid cell है तो आपका DPD zero हो जाएगा. So in that case CP is equals to OP. तो आपका osmotic pressure क्या होगा? जो turgid pressure होगा वही आपका osmotic pressure होगा. इतना clear है सबको? Yes. Very good. Next हमने किया था facilitated diffusion. Facilitated में क्या होता है बच्चा?
What do you mean by facilitated diffusion? एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव, एक होता है पास फैसिलिटेटेड. Am I audible to everyone? Yes. Okay. पैसिव में क्या होगा? एनर्जी इन्वॉल्व होगा क्या? No. एक्टिव में होगा एनर्जी इन्वॉल्व? Yes. Yes. फैसिलिटेटेड में होगा एनर्जी इन्वॉल्व? No. No. करेक्ट. कैरियर प्रोटीन फॉर द ट्रांसपोर्ट पर्पस, पैसिव में होगा क्या कैरियर? यस और नो? नहीं मालूम. पैसिव में कैरियर होगा, पैसिव हो चुका ना हमारा. आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? Yes. बोलो बच्चा लोग, कैरियर होगा पैसिव में? कैरियर भूल गए. आयन चैनल्स हमने डिस्कस किया था, लिपिड बायो मेम्ब्रेन कुछ याद आ रहा है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मॉलिक्यूल्स. कैरियर चैनल्स कुछ डिस्कस किया था हमने. ट्रांसपोर्टेशन में इन आउट लिपिड बाय लेयर चैनल्स फॉर्म है. यहाँ से मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ ट्रांसफर करेंगे. तो कैरियर्स आर एब्सेंट इन पैसिव, एक्टिव में कैरियर्स आर प्रेजेंट, फैसिलिटेटेड में भी कैरियर्स प्रेजेंट है. So the main difference between the active and facilitated, that is of the carrier, okay? कि अगर sorry अगर main difference में passive carrier तीनों का आपस में difference देखो क्या है, यहाँ पे दोनों भी involved नहीं है ना energy ना carrier, correct? Active में आपका दोनों involved है, facilitated में the difference is कि energy is not involved, but there is the presence of carrier that is used to transport of such molecules. This molecules are transported with the help of carrier. समझ में आ रहा बच्चा? Yes. So ultimately facilitated में क्या होगा? It is nothing but the passive absorption of solutes, but by using a carrier. So this is the difference between passive and facilitated. दोनों में भी passive absorption ही हो रहा है, लेकिन passive में आपका carrier involved नहीं है, जबकि facilitated में carrier involved है. तीनों का difference समझ में आया? एक्टिव में एनर्जी भी लग रही है, कैरियर भी चाहिए. फैसिलिटेटर में एनर्जी नहीं चाहिए, कैरियर चाहिए. पैसिव में ना तो एनर्जी चाहिए ना तो कैरियर चाहिए. इज इट क्लियर बच्चा लोग? यस यस. ओके, सो फैसिलिटेटर डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज नथिंग बट द पैसिव एब्जॉर्प्शन बाय यूजिंग अ कैरियर. क्लियर है इतना? ओके, देन आफ्टर दिस वी हैव डन सम अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल. व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोटेंशियल बच्चा? वाटर पोटेंशियल क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन वाटर, करेक्ट? जब मूवमेंट होगा सो दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड. हमने दो टाइप की एनर्जी डिस्कस की थी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इफ यू रिमेम्बर. यस. जब वाटर स्टोर्ड मॉलिक्यूल्स है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट? व्हेन दे आर मूविंग और ट्रांसपोर्टिंग, दे आर इन अ स्टेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी. यस और नो? Yes. So ये सारा चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. That DPD is also called as water potential. Osmotic pressure is also known as osmotic potential. Yes or no? Yes. After that we have done plasmolysis. Plasmolysis में क्या होता है? Please ये तीनों का difference याद रखना, ठीक है? Passive में दोनों भी नहीं चाहिए, ना energy ना carrier. Facilitated में energy तो नहीं चाहिए, but carrier is required. और एक्टिव में आपका एनर्जी भी चाहिए एंड कैरियर भी चाहिए. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. प्लाज्मोलिसिस क्या होता है बच्चा लोग? सदियों बाद लेक्चर हो रहा है ना, सब भूल गए हो. व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलिसिस? एक्स प्लाज्मोलिसिस, हमने प्लाज्मोलिसिस किया था, फिर एक्स प्लाज्मोलिसिस किया था. कुछ नहीं याद है? अच्छा, एक्स प्लाज्मोलिसिस से क्या लगता है, क्या मतलब होगा इसका? एक्स है यहाँ पे तो सॉरी डी प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस इज नथिंग बट इट इज एक्स ऑस्मोसिस. सो जब आपका सेल किसी सेल सिस्टम में प्रेजेंट है, उसको सेल सिस्टम में रखा है इन अ सॉल्यूशन, दैट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है,
वहां पे आपका सेल रखा है, सो वहां पे आपका क्या होने वाला है? एग्जोस्मोसिस. सो एग्जोस्मोसिस इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल. यस और नो? यस. सो दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस, जहां पे आपका एग्जोस्मोसिस होगा. सो फॉर प्लाज्मोलाइज सेल, अगर सेल को प्लाज्मोलिसिस कराना है, मतलब क्या होना चाहिए? आपका जो सेल सिस्टम है, यहाँ पे जो भी सोल्यूशन है, इट शुड बी हाइपर टॉनिक. ओके, सोल्यूशन कैसा होना चाहिए बच्चा लोग? हाइपर टॉनिक. ओके, और यहाँ पे जो सेल सिस्टम है, अब ये हाइपर टॉनिक होगा तभी तो कॉन्सेंट्रेशन अंदर से बाहर जाएगा, मूवमेंट. करेक्ट. मूवमेंट ऑफ सेल क्या है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दैट इज गिव रिजल्ट टू एग्स ऑस्मोसिस. क्लियर है इतना सबको? यस. इज देयर एनी डाउट? ऑस्मोसिस में यही होता है ना, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? डिफ्यूजन का उल्टा होता है ऑस्मोसिस में, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर. करेक्ट. अब यहाँ पे आपका सोल्यूशन इज हाइपर कॉन्सेंट्रेशन, इनर सेल के अंदर क्या? लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. इनसाइड टू आउटसाइड हुआ, मतलब क्या हुआ? एक्स ऑस्मोसिस. एक्सोस्मोसिस होगा, सेल के अंदर से सारी चीजें निकल गई तो सेल श्रिंक हो गया. हमने स्टडी किया है ना, हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल क्या होगा? श्रिंक होगा, क्योंकि कंटेंट्स क्या हो रही है? बाहर की तरफ मूव कर रही है. तो सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज सेल. क्लियर है? आपका सेल जब श्रिंक हो जाएगा ड्यू टू एक्सोस्मोसिस व्हेन कीप्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सच टाइप सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज सेल. And this phenomenon is called as plasmolysis. Is there any doubt to anyone? समझ में आया सबको? अब मुझे एक चीज बताओ बच्चा, यहाँ पे टर्जर प्रेशर जब सेल श्रिंक है तो क्या लगता है? टर्जर प्रेशर कितना होगा? Zero. Zero. Why? आपको कुछ भी प्रेशर दिख रहा है डेवलप? प्रेशर कब डेवलप होता है? जब आपका सेल क्या करेगा? वॉटर एब्जॉर्ब करेगा और लेयर्स क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे. प्रेशर कब डेवलप होता है? जब स्ट्रेच होगा स्किन. करेक्ट. यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? नो. द सेल इज श्रिंक, सो देयर इज नो टर्जर प्रेशर. सो टर्जर प्रेशर इज जीरो इन प्लाज्मोलाइज सेल. प्लाज्मोलाइज सेल मतलब क्या होता है? जहां पे आपका एक्सोस्मोसिस हो रहा है, वॉटर इज मूविंग आउट ऑफ द सेल व्हेन कीप्ड इन हाइपरटोनिक कंडीशन. हमको पता है हाइपरटोनिक कंडीशन में हम सेल रखेंगे तो सेल हमारा श्रिंक हो जाएगा. सेल श्रिंक हो गया मतलब टर्जर प्रेशर कितना हो गया? जीरो. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. यस. ओके, अब इसका अगर हम उल्टा कराएं बच्चा लोग, तो डीप्लाज्मोलिसिस कराया, मतलब डीप्लाज्मोलिसिस के लिए हमको सोल्यूशन क्या चाहिए? हाइपरटोनिक. ओके, हाइपोटोनिक रहेगा तो क्या होगा? जस्ट अपोजिट, वॉटर इज गोइंग टू इनसाइड. एक्सो के बजाय हमारा क्या होगा? एंडो. सो सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज डी प्लाज्मोलाइज सेल. इजी है ये वाला सेल? क्या था? प्लाज्मोलाइज सेल. एंड सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज डी प्लाज्मोलाइज. डी प्लाज्मोलाइज जस्ट अपोजिट. तो यहाँ पे आपका टर्जर प्रेशर भी डेवलप होगा. करेक्ट, बिकॉज सेल इज गोइंग टू लाइक दिस. वाटर एब्जॉर्ब होगा ना, वाटर इज मूविंग इन साइड फ्रॉम आउट साइड. हाइपो में रखा तो वाटर अंदर मूव कर रहा है तो सेल टर्जिड हो जाएगा. यस और नो? यस. सो यहाँ पे आपका टर्जिड हो गया तो मतलब कुछ तो टर्जर प्रेशर लग रहा है. करेक्ट, एंड दैट टर्जर प्रेशर इज गोइंग टू बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ये दोनों इक्वल हुआ मतलब जीरो क्या हुआ यहाँ पे? स्टडी किया था हमने, कुछ याद आ रहा है थोड़े टाइम पहले? रिलेशन डीपीडी जीरो होगा. जब जब टर्जर प्रेशर इक्वल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तब तब क्या होगा? डीपीडी इज गोइंग टू बी जीरो. क्लियर है? यस. ओके, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा आई होप. नेक्स्ट हमने देखा था बच्चा लोग पाथवे ऑफ वॉटर अक्रॉस द रूट. हमने दो पाथवे स्टडी किया था विथ प्रॉपर डायग्राम. एक था हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे एंड अनदर वन वाज सिम्प्लास्टिक पाथवे. यस, सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है? पाथवे में किया था हमने दो, वन इज एपोप्लास्ट एंड अनदर वन इज सिम्प्लास्ट. ओके,
सो सिम्प्लाट में हमने देखा था सिम्प्ला सेज फादर गाइडेड इनटू वास्कुलर और ट्रांस मेम्ब्रेन. इसके अलावा अगर आपको याद होगा हमने कुछ डायग्राम्स बनाए थे, करेक्ट? एडजेसेंट सेल्स थे, यस और नो? यस. बीच में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट था फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, यस, जहां से आपका वाटर मूव हो रहा था, राइट? दिस ओपनिंग्स, दिस फ्री स्पेसेस आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, अगर याद होगा तो. देन बाहर आपके क्या थे, सेल वॉल इज प्रेजेंट, करेक्ट? सो यहाँ पे सेल वॉल के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा था दैट इज आउटर वर्ड, जो कि बाउंड्री से होता है. दिस पाथवे इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे, और जो दोनों सेल्स के बीच से होता है जैसे सेल से, दिस पाथवे इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्टिक पाथवे. याद है? Yes. दोनों में से रैपिड कौन सा होता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट? एपोप्लास्ट. एपोप्लास्ट पाथवे इज मोर रैपिड बिकॉज यहाँ पे एडजेसेंट सेल्स के सारे सेल वॉल्स कनेक्टेड है ना, तो यहाँ से उसको ज्यादा नहीं ट्रेवल करना पड़ रहा है. इट इज मोर रैपिड एज कम्पेयर टू सिम्प्लास्ट. यहाँ पे उसको बहुत सारी चीजें याद है, हमने कुछ एग्जाम्पल दिया था, बीच में 10 लोग खड़े हैं, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, बीच में स्पेस पूरा एम्प्टी है, जल्दी किसमें पहुंचोगे आप जहाँ पे कोई नहीं है, करेक्ट? तो yes. यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे में कोई भी उसको रोकने के लिए नहीं है, वेरास इन सिम्प्लास्ट पाथवे यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि इंटरमीडिएट बीच में पड़ रहे हैं उनको, करेक्ट? सो सिम्प्लास्ट पाथवे वॉटर इज मूव थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ये इम्पोर्टेंट था, बताया था मैंने आपको. प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूवमेंट होता है इन सिम्प्लास्ट पाथवे, और यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे में मूवमेंट थ्रू एडजेसेंट सेल वॉल. ओके, अभी आपका एपोप्लास्ट पाथवे कहाँ तक होगा बच्चा, कुछ याद है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था हमने, एंडोडर्मिस तक. यस, सेबुलराइज्ड मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. ओके, चलो, वेरी गुड. यहाँ तक क्लियर है सबको, याद है? यस. ओके, नेक्स्ट हमने किया था पैसिव एब्जॉर्प्शन. पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या क्या स्टडी किया था हमने, क्या होता है आप बताओ पहले, पैसिव एब्जॉर्प्शन, व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन? जहां पे आपके रूट्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, करेक्ट? एनर्जी लगेगा क्या एटीपी? नो no. बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, पैसिव में क्या होगा, इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि एक्टिव में क्या होता है बच्चा लोग, एनर्जी एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका एटीपी इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे आपका एटीपी नहीं लगता, बिकॉज इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. एक्टिव में इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट्स व्हाई एटीपी इज रिक्वायर्ड. ओके, सो पैसिव एब्जॉर्प्शन 98% आपका जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, इट इज टोटल वाटर जो भी है उसमें से 98% आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रूट्स, रूट्स के थ्रू होता है. दैट इज यहाँ पे आपका वाटर क्या होता है, पुल्ड होता है. याद है पुश पुल कुछ स्टडी किया था हमने? ओके, सो वाटर इज पुल्ड पैसिवली अपवर्ड. पैसिवली क्या होंगे, दे आर गोइंग टू पुल्ड अपवर्ड. यहाँ पे कोई भी आपका एटीपी नहीं लग रहा है. नेक्स्ट हमने एक्टिव एब्जॉर्प्शन किया था. एक्टिव में हमने दो टाइप किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव में क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आपको लगेगा, एटीपी. ये दोनों टर्म याद रखना बच्चा लोग, ठीक है? पैसिव इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. चाहिए तो दोनों लाइन कहीं पे लिख लो, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट एक्टिव में एज वी हैव डिस्कस्ड दे आर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एटीपी इज रिक्वायर्ड. इसमें भी हमने दो टाइप का एक्टिव किया था, दैट इज वन इज ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, वेयर एज अनदर वन इज नॉन ऑस्मोटिक. याद है? Yes. So what is the difference between these two notes? लिखा है आप लोगों ने इसका, लिखा है तो मैंने osmotic, non-osmotic. What is the difference between these two बच्चा? बताओ. Osmotic में क्या होगा? There is no direct expenditure of energy, correct?
डायरेक्ट एटीपी यहाँ पे यूज होगा क्या? यही हमने शायद से डिस्कस किया था. नो डायरेक्ट एटीपी इज यूज, नो यूज ऑफ डायरेक्ट एटीपी. वेयर एज आपका नॉन ऑस्मोटिक में क्या, डायरेक्टली आपका ट्रांसपिरेशन के वजह से क्या होगा, रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन के वजह से वाटर का नीड होगा, जिसके वजह से यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी आपका यूज होगा. ये चीजें हमने डिस्कस की थी. ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ पे भी सेम आपका एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी तो होगा बट डायरेक्टली रिक्वायरमेंट नहीं होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले आपका डीपीडी डेवलप होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट डेवलप होगा, करेक्ट. और उसके बाद में जिसके वजह से डीपीडी डेवलप होने की वजह से एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप, इसको हम लोग रूट प्रेशर बोलते हैं. ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी. ओके, सो डीपीडी डेवलप हुआ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर. सेल्स में आपके रूट प्रेशर डेवलप होगा जिसके वजह से वाटर इज पुलिंग. ओके सॉरी, वाटर इज क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम पेरिसाइकल टू जाइलम एंड देन अपवर्ड्स टू द स्टेम, मतलब पहले रूट्स में एंड देन फाइनली टू द स्टेम. तो यहाँ पे ऑस्मोटिक में क्या हो रहा है, ड्यू टू द रूट प्रेशर आपका एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, पहले डीपीडी हो रहा है, डीपीडी के बाद में एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर. क्लियर है इतना बच्चा लोग? यस यस. ओके, नेक्स्ट, नॉन ऑस्मोटिक में क्या स्टडी किया था हमने, वाटर डायरेक्टली सॉइल से एब्जॉर्ब हो रहा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्या हो रहा है, क्या यूज होगा डायरेक्टली, एटीपी. ओके, सो यहाँ पे एटीपी इज यूज डायरेक्टली. इज देयर डाउट टू एनीवन? यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर हो चुका था, सो हमने वापस से पूरा रिवाइज कर लिया. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो हम फ्रेश स्टार्ट करें अभी आगे का नया. सबको क्लियर है बच्चा लोग? यस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. ओके, आप लोग से एक डिफरेंस पूछती हूँ मैं बच्चा लोग, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन? एक मैं बोलू कंडक्शन ऑफ वाटर और फूड, दूसरा मैं बोलू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और फूड. So what is the difference? Am I audible to everyone? Yes. Please tell me what do you mean by this two? Difference kya hai? Any idea? Ma'am, transportation mein water transport hota hai sare parts mein. Okay. And what about conduction? Conduction mein jo xylem tissue hota hai wo sare parts mein conduct karta hai water ko. Okay. Anything else? Kisi ko nahi malum? Okay. So conduction is like, bachcha log kya hota hai? Ek basic sa difference hai. Dono mein hi aapka movement ho raha hai water aur food ka. Okay. अगर आप वाटर लेते हो तो वाटर, फूड लेते हो तो फूड, दोनों में भी मूवमेंट हो रहा है. जस्ट द डिफरेंस इज कंडक्शन इज अप to a small distance. समझ में आया? दोनों में transportation हो रहा है, but it is up to a very small distance. Transportation कब होगा? For a longer distance. Okay? अब जैसे मैं आपको एक example देती हूँ. Now, अब ये आपका flower है, नीचे stem है, leaves है और नीचे roots है. ठीक है? दिख रहा है सबको? अब यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर प्रोवाइड किया इसको. वाटर प्रोवाइड करने के बाद में क्या होगा, अप टू द रूट्स, रूट्स मेरा कितना, सिर्फ इतना बड़ा, तो अप टू द रूट्स आपका वाटर क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी कंडक्ट. ओके, सो कंडक्शन इज अप टू अ स्मॉल डिस्टेंस. तो वाटर मूवमेंट कितना हुआ, थोड़ा सा हुआ कंडक्शन. ठीक है,
Yes or no? Clear? Yes. So जब हमने water provide किया, water absorbed हुआ up to a very small distance. क्या हुआ? Water conduct हुआ. Okay? So अगर मैं यहाँ तक consider करूँ कि मेरा till the roots, यहाँ पे क्या हो रहा है? Conduction. This is an example. Okay? So till the roots, यहाँ पे क्या हो रहा है? Water conduct हो रहा है. But मुझे इसके बाद क्या करना है? मुझे इस फ्लावर को भी पानी प्रोवाइड करना है, इस लीव को भी वाटर प्रोवाइड करना है, स्टेम्स को भी वाटर प्रोवाइड करना है. यस और नो? मुझे पूरे प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करना है. सो एट दैट टाइम हमारा जो टिश्यूज होता है, जाइलम, फ्लोएम, व्हाटएवर, ये वो क्या करेगा? यहाँ से मूवमेंट ऑफ वाटर कराएगा. सो बेसिकली इट इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और फूड फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस. पूरे प्लांट को प्रोवाइड करना है तो उस केस में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा. अगर मुझे स्मॉल डिस्टेंस पे रन कराना है, सो एट दैट टाइम कंडक्शन इज गोइंग टू बी देयर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. सो बोथ आर मूवमेंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द डिफरेंस इज कंडक्शन इज फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलोकेशन ऑफ वॉटर. ट्रांसलोकेशन मतलब क्या बच्चा लोग? Location मतलब places, trans मतलब difference. So here also we are doing the same thing. Translocation मतलब movement of water from one place to another. That is called as translocation. Basically nothing but the transport of water. समझ में आया? So अभी यहाँ पे आपका जो translocation of water हो रहा है, तो water का transport हो रहा है, correct? अब मुझे एक चीज बताओ, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सिर्फ वाटर ही होगा क्या उसमें? वाटर के साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी. यस और नो? यस. जैसे कि वाटर के साथ और क्या होता है? मिनरल्स. दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिसॉल्व. डिसॉल्व स्टेट में होगा ना वाटर में मिनरल्स. Yes. So translocation means nothing but the transport of water with dissolved minerals. कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चा लोग? Translocation मतलब location change हो रहा है, मतलब longer transport है, correct? So यहाँ पे transport क्या होगा? अभी हमने क्या discuss किया था? The difference between क्या discuss किया था? Conduction and transportation, correct? तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का, तो कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चा लोग? फ्रॉम द लोअर लेवल दैट इज रूट्स टू अपर पार्ट. ओके? सो स्टेम, लीव्स, फ्लावर सब में क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगा किसका? वाटर का. सो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इट कंसिस्ट अलोंग विथ वाटर देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट मिनरल्स दैट आर इन अ स्टेट ऑफ डिसॉल्व. डिसॉल्व मिनरल्स भी प्रेजेंट है जो कि रूट से पूरे प्लांट में क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी. यस और नो? ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द ग्राउंड. हमने इसको वाटर प्रोवाइड किया तो वाटर मूवमेंट कैसा हो रहा है? अपवर्ड, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, करेक्ट? सो इट इज कॉल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो दिस ट्रांसलोकेशन इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप. ओके? एसेंट ऑफ सैप. आपको दो सैप स्टडी करने मिलेगा, एक होता है फ्लोएम सैप, एक होता है जाइलम सैप. ओके? सो जाइलम सैप में अभी हमने देखा क्या क्या है? वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल्स, करेक्ट? फ्लोएम का हम बाद में देखेंगे. सो ये क्वेश्चन भी आता है बच्चा लोग, एसेंट ऑफ सैप में आपके जाइलम के एसेंट ऑफ सैप में क्या क्या है? वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल्स. सो दे आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम lower to upper, which means the direction is upward, that is against the gravity. Yes or no? Yes. Okay. Heading डाला आप लोगों ने translocation of water? Heading डालिए. वी नो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ जाइलम. ओके? जाइलम के भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रकेट्स एंड वेसल्स. विद द हेल्प ऑफ ट्रकेट्स एंड वेसल्स द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, आपका यहाँ पे वाटर क्या होगा? ट्रांसलोकेट होगा सारे के सारे वस्कुलर प्लांट्स में.
वस्कुलर नॉन वस्कुलर मतलब क्या होता है बच्चा लोग, वस्कुलर प्लांट्स मतलब वो जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, नॉन वस्कुलर मतलब वो जिसमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, जैसे थैलो ब्रायो टेरिडो। तो थैलो और ब्रायो में आपके वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, टेरिडोफाइट्स वेयर द फर्स्ट प्लांट दैट कॉजेस द वस्कुलर टिश्यू। ओके, तो जितने भी वस्कुलर प्लांट्स है जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है क्या होगा, वाटर आपका ट्रांसपोर्ट होगा, उसके साथ ही मिनरल्स भी डिसॉल्व। हेडिंग हो गया देखिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। यस मैम। ओके, नीचे लिखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विथ डिसॉल्व मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विथ डिसॉल्व मिनरल्स against the gravity from root to shoot is called as ascent of sap. Is called as ascent of sap. Done? हो गया बच्चे लोग? यहाँ में important ये है कि xylem के essence of sap में water के साथ साथ minerals भी है, okay? अब वो जाइलम और उसके कंपोनेंट्स के वजह से ये ट्रांसपोर्ट होगा। नेक्स्ट रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है जिसने इसको प्रूव किया। अभी यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए ना बहुत सारी अलग अलग थियोरीज आई, जैसे कि वाइटल फोर्स थियोरी, रिले पंप थियोरी, फिजिकल फोर्स, रूट प्रेशर थियोरी। सो बहुत सारी थियोरीज आई जो की प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर होता कैसे। सो उसमें से कुछ थियोरी आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट वन आपका रूट प्रेशर थियोरी है, that is also called as vital force theory. So root pressure theory also known as vital theory. Okay, so first ye theory kya hota hai hum log dekhenge. So according to this theory yahan pe aapka jo bhi living cells hai that is responsible for the translocation of water. कुछ थियरी ऐसी भी है जिनका ये कहना था कि जो डेड सेल्स होते हैं ना, दे आर डेड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो वाइटल थियरी है, अकॉर्डिंग टू दिस लिविंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, समझ में आया? Yes. Okay. अब उसके बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, स्टूडेंट्स आपका जो स्टेम है ना उसको नाइफ से थोड़ा सा कट किया। जब कट करेंगे तो कभी आपने देखा है कि आपको थोड़ा सा वाटर जैसा सब्सटेंस सिक्रीट होता है प्लांट से, आप ऐसे कट करोगे स्टेम को, बीच से स्टेम है उसको आप कट करो तो वहां से ना लिक्विड सब्सटेंस ओज आउट होता है, लिक्विड सब्सटेंस बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज जाइलम सैप, जाइलम सैप। तो इन्होंने क्या किया, प्राइसली करके साइंटिस्ट थे, ही प्रपोज दिस थियरी। उन्होंने स्टेम को क्या किया, जो उनका पॉटेड स्टेम था उसको कट किया नाइफ के हेल्प से, फिर उन्होंने देखा कि जो जाइलम सैप है ना, मतलब कुछ तो लिक्विड सब्सटेंस क्या कर रहा है, बाहर निकल के गिर रहा है। ओके, बाहर निकल के गिर रहा है जहां से आपने कट किया वहां पे। तो उसके बाद में उन्होंने वो वाटर निकाला और फिर उसमें स्टडी किया कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तब उनको पता चला कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है एंड सम मिनरल्स आर आल्सो प्रेजेंट दैट आर इन अ डिसॉल्व स्टेट। ओके, अब ये कैसे होगा बच्चा, एनी आइडिया? लाइक हमको पता है कि आपका स्टेम है, तो स्टेम में वाटर मूवमेंट कैसे हो रहा है, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर, यस और नो? याद आ रहा है नॉन ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक दो किया हमने एक्टिव में, तो सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप है, दैट इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के वजह से वाटर का जो है आपका, दे आर इन अ कंटिन्यूअस स्टेट,
कंटिन्यू क्या है, वो फ्लो स्टेट में है। अब वाटर क्या कर रहा है, मूवमेंट दिखा रहा, और यहाँ से आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ नाइफ आपने यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन कट कर दिया। तो उसके बाद में क्या होगा, ये जो वाटर मूवमेंट्स हो रहे थे दे आर इन अ कंटिन्यूस, थोड़ा सा फ्लो होगा नीचे, करेक्ट? Am I audible? Yeah, सब सो गए? Yes, ma'am. Okay. So this root pressure के वजह से continue आपका यहाँ पे water column जो था, they are in a flow state. जब हमने with the help of knife उन्होंने cut किया, so then he saw some liquid is running out, oozing out, जिसको you can say oozing out. Okay. So then he studied this liquid. तो उनको पता चला कि इसमें along with water some minerals also present. They are in a dissolved state. Okay. So he termed this कि ये root pressure के वजह से continue आपका जो water है वो economic maintain है and continue they are in a upward direction flowing state में है. So this is nothing but the root pressure is responsible for this translocation. ऐसा किसने बोला? Vital theory. समझ में आया कुछ बच्चा? हम यहाँ पे study क्या कर रहे हैं कि reason क्या है आपका ये जो भी movement हो रहा है ना, so what is the reason, किसके वजह से ये movement हो रहा है water column का? सो वाइटल थियरी ने क्या बोला, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसलोकेशन. ओके, अब उसके बाद में देखो रूट प्रेशर का जो वैल्यू होती है ना बच्चे लोग, इट इज ओनली 1 or 2 bar. बार पता है ना प्रेशर के लिए यूज करते हैं. यस. ओके, सो रूट प्रेशर की वैल्यू इज ओनली 1 or 2 bar. जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंडक्शन और ट्रांसलोकेशन का डिफरेंस बताया था, तो उसमें हमने क्या देखा, कंडक्शन सिर्फ थोड़े ही सब्सटेंस तक होता है, स्मॉल डिस्टेंस ही, करेक्ट? सिमिलरली आपका रूट प्रेशर भी है बच्चा, रूट प्रेशर भी क्या होगा, इट इज ओनली अप टू अ स्मॉल डिस्टेंस. जैसे कि इट इज ओनली हेल्प द प्लांट टू 10 meter to 20 meter, इससे बड़ा अगर प्लांट का हाइट हुआ तो वहां पे आपका रूट प्रेशर काम नहीं आएगा. समझ में आया है? तो रूट प्रेशर कैन कॉज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ओनली अप टू 20 मीटर हाइट ऑफ द प्लांट. समझ में आ रहा है? Yes. So, पहले तो प्राइसली ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ही कटेड द पॉटेड प्लांट विद नाइफ. उनको मिला कि वहां पे कुछ लिक्विड सब्सटेंस निकल रहा है, उन्होंने वो लिक्विड सब्सटेंस स्टडी किया कि उसमें क्या है. आफ्टर दैट उन्होंने रूट प्रेशर देखा, उसका वैल्यू निकाला. वी नो रूट प्रेशर का वैल्यू इज ओनली +1 to +2 bar. एंड इट वाज फाउंड दैट कि आपका जो रूट प्रेशर, इट कैन कॉज अ मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 meter. मतलब क्या, अगर 20 meter से बड़ा प्लांट है तो वहां पे आपका रूट प्रेशर तो इफेक्टिव ही नहीं है, करेक्ट? So value of root pressure is 1 to 2 bar. Okay. Root pressure can pump water up to, bolo. नहीं समझ में आ रहा है? Am I audible? Yes, ma'am. बाकी के लोग कहाँ हैं? Where are others? पीयूष, अवंतिका, शरण, स्नेहा, yes, दर्शना, मयूरे, सो रहे हो क्या सारे लोग? Yes. हाँ? Yes. लग तो रहा है मुझे सो रहे हो सारे लोग. समझ भी नहीं आ रहा है? अलग अलग थियोरीज यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है अलग अलग साइंटिस्ट के वजह से. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थियोरीज दिया कि फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड फूड ये चीजें रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से पहला थियोरी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द वाइटल थियोरी, और यू कैन से रूट प्रेशर थियोरी. दिस थियोरी इज इम्पॉर्टेंट. इनोमेल प्राइसली करके साइंटिस्ट है, ही सेड दैट कि लिविंग सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लिविंग सेल्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. दूसरा उन्होंने बोला कि रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. देन उन्होंने फाइंड किया कि रूट प्रेशर की जो वैल्यू होती है इट इज ओनली 1 to 2 bar. तो अगर सिर्फ 1 to 2 bar है तो इट कैन कॉज द ट्रांसलोकेशन मैक्सिमम अप टू 20 meter ओनली.
ओके, तो ये एक तरीके से एक लिमिटेशन भी आ गया, क्योंकि अगर आपका प्लांट 20 मीटर से बड़ा है तो मतलब वहां पे आपका रूट प्रेशर किसी भी काम का नहीं, समझ में आया? Yes. अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है दैट इज अफेक्टिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, करेक्ट, ये सारी चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मॉइस्चर, टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई रहेगा तो वाटर का रिक्वायरमेंट हाई रहेगा, यस और नो? यस यस, सॉल्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा, सो दिस वेर द थिंग्स दैट अफेक्ट द रूट प्रेशर, क्लियर है? इतना लिख के लो, देन हम लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस लाइक डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन अभी पहला ही मैंने एक आपको बताया कि अगर 20 मीटर से बड़ा प्लांट है तो वहां पे आपका रूट प्रेशर इनइफेक्टिव है, सो ये पॉइंट्स लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थियरी इज इम्पोर्टेंट, ओके, ज्यादा नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस आपको आएंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल लिविंग सेल्स के वजह से होता है, value root pressure ki and then it can pump water only maximum up to 20 meter in height. Manometer is an instrument that is used to measure aapka jo bhi तभी वहां पे लिक्विड सब्सटेंस ऊज आउट हो रहा था ना, तो एक्सुडेशन प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज एक्सुडेट, ओके, जाइलम एक्सुडेट, इसको लिख लो फिर मैं आपको लिखाती हूँ, इसको लिखना मत अभी, ये मत लिखना, बाद में लिखना, आर वी डन विद दिस? यस यार है बच्चा लोग, इज देयर एनी डाउट इन हियर? नो, ओके, अभी जाइलम एक्सुडेट मतलब क्या, अभी जो हमने स्टडी किया ना कि जब हमने नाइफ से कट किया तो सम लिक्विड सब्सटेंस हैज अराइव्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज जाइलम एक्सुडेट, ओके, फिर वहां पे उसके वजह से जब वो नीचे जब वो फ्लो, मुझे एक चीज बताओ, कोई चीज कंटिन्यूसली रन कर रही है, ठीक है, एक पाइप ही है समझ लो, उसमें कंटिन्यू आपका वाटर रन कर रहा है, ओके, अब बीच में से वो पाइप क्या हो गया, फट गया, कट हो गया, ये पाइप है इसमें कंटिन्यू वाटर रन कर रहा है, बीच में से क्या हो गया, कट हो गया और कुछ वाटर सब्सटेंस नीचे गिरने शुरू हो गए, तो प्रेशर एज इट इज डेवलप रहेगा क्या बच्चा? जहां से ये कट हुआ है देयर इज गोइंग टू बी सम प्रेशर, यहाँ से भी कुछ तो प्रेशर रहेगा ना, जहां से लिक्विड बाहर निकलेगा, Yes. आपका पानी का ही yes. पाइप है, उसमें आप थोड़ा सा पिन मार दो तो पता है ना, एक ऐसा वाटर का लेयर एकदम ऐसा पतला सा वो निकलता है बाहर विद सम प्रेशर, करेक्ट, दैट प्रेशर जहां से आपका ये कट जो होल जो आपने कट किया वहां से अगर लिक्विड बाहर निकल रहा है दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एक्सुडेशन प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सुडेशन प्रेशर, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सुडेट, जाइलम एक्सुडेट, जो लिक्विड बाहर निकली और वहां से जो जिस प्रेशर के साथ निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सुडेशन प्रेशर, दैट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर, ओके, समझ में आया सबको, एक्सुडेशन क्या होता है, एक्सुडेशन प्रेशर क्या होता है, so next point you can write exudation pressure can be measured with the help of manometer, manometer ko underline kar lena aur exudation pressure ko bhi, limitations we will discuss only, okay, likhenge nahi discuss karenge, aap underline kar lo textbook mein if you have with the textbook with you, done this bachcha log? Yes. Okay. So limitation, सबसे पहला limitation क्या आ जाएगा कि अगर 20 meter से taller plant है तो ये applicable होगा क्या ये theory? No. So this theory is not applicable for the plants taller than 20 meter. 20 meter से ज्यादा बड़ा plant है तो ये आपका theory वहां पे fail हो जाता है. Next, अभी आपका जो ascent of sap हमने study किया according to this theory, उसके लिए भी क्या responsible is this ascent of stem के लिए? Root pressure. Correct?
तो वहां पे ये फाइंड आउट किया गया कि कुछ प्लांट्स में आपका एसेंट ऑफ सैप बिना रूट सिस्टम के भी अवेलेबल है. मतलब रूट सिस्टम नहीं है तो रूट प्रेशर नहीं होगा, करेक्ट? तो बिना रूट सिस्टम, बिना रूट प्रेशर के भी आपका एसेंट ऑफ सैप अवेलेबल है, तो वहां पे भी आपकी ये थियरी फेल हो गई. समझ में आ रहा है बच्चा? यस यस. ओके, अब दूसरा प्राइसली ने क्या बोला कि वैल्यू क्या है रूट प्रेशर की, इट इज 1 to 2 bar, करेक्ट? वेयरएज ये पाया गया कि कुछ जो बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म्स है ना, टॉलर जिम्नोस्पर्म्स, वहां पे आपके रूट प्रेशर की वैल्यू नियरली जीरो थी, जबकि इसने क्या बोला इट इज 1 to 2, और वहां पे बड़े जो टॉलर जिम्नोस्पर्म्स है वहां पे वैल्यू नियरली जीरो. तो यहाँ पे भी ये फेल हो गया थियरी, करेक्ट? अब दूसरा, जो एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट, एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट मतलब क्या, जहां पे एक्टिव ट्रांसपिरेशन हो रहा है. आई होप एवरीवन नोज व्हाट यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन. यस, क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन बच्चा लोग? लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फेज विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. यस, इन वेपर फॉर्म. यस, so with the help of stomata आपका वॉटर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फेज. ओके, तो जो एक्टिवली ट्रांसपेरिंग प्लांट्स है मतलब जहां पे आपका एक्टिवली ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन कंटिन्यू हो रहा है, वॉटर ऑलरेडी लॉस हो रहा है, तो वहां पे रूट प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा. बिना रूट प्रेशर डेवलप किया, आपको याद है हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, आपका जो समर सीजन है वो टाइम पे धूप ज्यादा होता है, हवा ज्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, करेक्ट? यस. सीजन्स को लेके हमने डिस्कस किया था ना कि समर सीजन में आपको इतनी प्यास क्यों लगती है, सिमिलरली वाटर प्लांट को भी हम ज्यादा वाटर प्रोवाइड करते हैं. तो अगर एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट है तो वहां पे रूट प्रेशर डेवलप ही नहीं हुआ, रूट प्रेशर डेवलप ही नहीं हुआ लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो मतलब क्या, यहाँ पे भी ये थियरी आपकी फेल हो गई. And the next one is xylem sap, आपका यहाँ पे क्या है? अभी हमने बोला कि हमारा xylem sap root pressure के under control है, correct? Yes. Yes or no? So xylem sap is under the normal condition, that is under tension. मतलब negative hydrostatic pressure दिखा रहा है और high osmotic pressure दिखा रहा है. और हमने क्या बोला यहाँ पे, root pressure आपका कैसा है? It is 1 to 2 bar, positive हुआ. Yes or no? Yes. But ये पाया गया कि xylem sap जो है it shows a negative hydrostatic pressure और साथ ही साथ osmotic pressure भी कैसा है, बहुत ही high है. So these are the limitations of this theory, जहाँ पे आपका ये theory क्या हुआ, fail हो गया. So सबको clear है, एक बार वापस से discuss कर लेते हैं. So root pressure theory is also called as vital theory. According to this theory, living cells are responsible for the transportation. Next, root pressure is responsible for this transportation of water. Root pressure ki jo value hogi, it is only 1 to 2 bar. And according to this theory, root pressure can pump up to a 10 meter to 20 meter only in height. 20 meter se zyada nahi pump kar sakta wo. The factors that is affecting this transportation is oxygen concentration, moisture, temperature, salt. अब यहाँ से जिस प्रेशर के साथ आपका एक्सुडेट लिक्विड सब्सटेंस इज ओजिंग आउट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सुडेशन प्रेशर, दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर. यहाँ तक क्लियर है ना? देन लिमिटेशंस में सबसे पहला 20 मीटर से ऊपर भी प्लांट है तो उस चीज में ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा आपकी ये थियरी. दूसरा, यहाँ पे जो एसेंट ऑफ सैप है वो बिना रूट सिस्टम, मतलब रूट है ही नहीं तो रूट प्रेशर कहाँ से डेवलप होगा, तो भी वहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, मतलब ये थियरी अगेन फेल. नेक्स्ट, यहाँ पे बोला कि वैल्यू 1 to 2 bar होना चाहिए, जो टॉल जिम्नोस्पर्म से वहां पे नियरली जीरो है, अगेन दिस थियरी फेल. और यहाँ पे जो एक्टिवली ट्रांसपिरेशन, जिन प्लांट्स में कंटिन्यू ट्रांसपिरेशन हो रहा है वहां पे तो आपका रूट प्रेशर ही डेवलप नहीं हो रहा है. नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है कि प्रेशर इज पॉजिटिव, जबकि एक्चुअल में आपका नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है. यहाँ तक क्लियर है सबको बच्चा लोग? नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस कैपिलरिटी थियरी, बाकी की भी थियरीज करेंगे हम लोग और डायरेक्ट फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे. आज के लेक्चर में किसी को कुछ भी डाउट? नो. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर दिवाली.
वी आर डन फॉर टुडेज लेक्चर. बाय मैम. बाय बाय बच्चा.